छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शहीद कामरेड शंकर गुहन योगी और उनके साथ मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले 17 मजदूरों को, जिन्हें 1 जुलाई 1992 को गोली मार दी गई थी, इन्हीं की शहादत को नमन करते हुए प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 1 जुलाई को घटना स्थल पर एकत्र होकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के भीमराव बागड़े ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है। मजदूरों को जीने लायक वेतन व स्थायीकरण की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कॉमरेड शंकर गुहन योगी के नेतृत्व में श्रमिक आंदोलन कर रहे थे। 28 सितंबर 1991 की रात में सोते हुए में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बावजूद इसके 1 जुलाई 1992 के रोज पुलिस द्वारा गोली चलाकर 17 मजदूरों की हत्या कर दी गई। उन्हीं का शहीद दिवस प्रतिवर्षानुसार 1 जुलाई दिन शनिवार को भिलाई पावर हाउस में आयोजित किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर सहित संबंधित विभागों में अनुमति हेतु पत्राचार किया जा चुका है। उक्त दिनांक को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़े श्रमिक व समर्थकगण पावर हाउस के छावनी लाल मैदान में सुबह 10 बजे एकत्रित होंगे। गोलीकांड घटना स्थल पर शहीद परिवारों को लेकर शहीदों को पूजा अर्चना करने के पश्चात पावर हाउस से रैली प्रारंभ करेंगे, जो नंदिनी रोड से छावनी चौक होकर ACC शहीद शंकर गुहन योगी चौक में पहुंचकर वहां लगे शहीद शंकर गुहन योगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सभा की जाएगी। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के भीमराव बागड़े एवं साथी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी है। आज की प्रेस वार्ता इसलिए है कि कॉमरेड शंकर गुहन योगी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को कुचलने जब वो सोए थे, उन्हें गोली मारकर 28 सितंबर 1991 की रात हत्या की गई। उसके बावजूद आंदोलन जारी था। पटवाजी की सरकार ने 1 जुलाई 1992 के रोज पुलिस गोली चालन करके 17 मजदूरों की हत्या की गई। उनका शहीद दिवस हर साल की तरह इस साल भी जो है 1 जुलाई 2023 को हम आयोजित कर रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है उस तारीख को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और हमारे समर्थक गण सभी लोग जो है छावनी के लाल मैदान में एकत्रित होंगे। गोलीकांड घटना स्थल पर शहीदों की पूजा करेंगे, शहीद परिवार भी शामिल होंगे और उसके पश्चात पावर हाउस से रैली निकलेगी, जो छावनी चौक होकर शहीद शंकर गुहा नियोगी चौक में पहुंचकर नियोगी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण के पश्चात जो है श्रद्धांजलि सभा होगी। इस दौरान हमारा यह कहना है कि जो श्रम कानून है पूरे छत्तीसगढ़ में 60% लोगों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी मजदूरों को जो है न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए भी जो है प्रयास नहीं कर रही है। हमारा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो इस दिशा में जो काम करे और ये मामले लेबर कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है, चल रहे हैं, क्योंकि जो कानून बना हुआ है ID एक्ट का वो 180 दिन में फैसला करने का, मगर वो फैसले नहीं हो रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल तक। और इस कारण से उद्योगपति और ठेकेदारों को, मजदूरों को नौकरी से निकालने की जो छूट मिलती है, सरकार ने इसमें जो है नियुक्ति के अलावा प्रयास करना चाहिए कि वो जो है इस कानून के तहत ज़्यादा नहीं तो साल भर के भीतर जो उसका फैसला हो। 1 जुलाई शहादत दिवस एक तरह से श्रमिक जगत के लिए आज ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के श्रमिकों पर इतना बड़ा हमला हुआ है, जिसको आप सब अपने अपने तरीक़ा से कहते हैं कि 44 को 40 कर दिया गया, मुझे लगता है पूरी समाप्ति कर दी गई। और इसी कारण से पूरे प्रदेश में मजदूर यूनियन की बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं, न सरकार सुनने को तैयार है, न प्रशासन के लोग तैयार है, न और भी दूसरे तरह के जो कानून व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, कोई लोग भी मैंने देश के मेहनत कर जनता की बात सुनने को कहीं पर भी तैयार नहीं। और ऐसी हालत में जो है देश के मजदूरों का प्रतिदिन जो जिस तरह से उनका कमी होना, उनको डराना धमकाना, ये इस तरह के, और यहाँ तक कि जो 8 घंटे का काम था उसको 12 घंटे का काम करके जो है आज मजदूरों को इतना डरा दिया गया है। आज वो कहीं पर संगठित होकर के कुछ करने की पहले सोचते हैं कि हमारे नौकरी रहेगा कि जाएगा। इस तरह का मैंने हालत, मैंने एक तरह से ये कहनी चाहिए कि ये पूरे देश में, हम एक जगह नहीं कहते लेकिन पूरे देश में इतना आतंक का माहौल है। मजदूर यूनियन बहुत हैं लेकिन ज़्यादातर मजदूर यूनियन इतना डरे हुए, अब मैं उसको दूसरे शब्द में क्या कहूँ, आप सब लोग जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है, लेकिन वर्कर डरे हुए, क्योंकि सही दिशा में
जो जाना चाहिए वो दिशा में नहीं जा पा रहे और जो करना चाहते हैं उनको मदद नहीं मिल पा रहा कहीं से भी। ये सच्चाई है और इस सच्चाई के कारण जो है वर्कर डरे हुए हैं। लोग लड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो जगह बन नहीं पा रहा। और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, लाल हरा झंडा, कामरेड शहीद शंकर गुहा, नियोगी के सिपाही आज भी प्रदेश के अंदर इन सच्चाइयों के साथ आज भी डटे हुए हैं और अपील करता है कि आज भी प्रदेश की जनता इस तरह डटा रहे, इस तरह आगे आए, डर को अलग करे, डर के अलग करके भिड़ना चाहे। मुक्ति मोर्चा का डरने का तो कोई बात ही नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि 31 साल के बाद जबकि जिस संगठन पे 2-3 बार फायर हो जाए ना तो संगठन दुनिया में कहाँ रहेगा उसका पता नहीं। और इस संगठन में 3 फायरिंग के बाद और 42 आदमी की शहादत के बाद भी संगठन है तो वो संगठन को समझ लेनी चाहिए। ये संगठन कोई ताकत है, कोई विचार है, कोई संघर्ष है, ये कोई 2-4 लोगों का वो नहीं। तो ये छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है और इसलिए हम आप सबसे बाकी सबसे अपील करते हैं कि आज इसकी सख्त आवश्यकता है। लेकिन उस आवश्यकता की कब कैसे हो उस दिशा में संगठन सोच के आज भी खड़ा हुआ है। हम अपील करते हैं कि 1 जुलाई के शहादत कार्यक्रम में तमाम साथी लोग आए और आकर के भविष्य के इस तरह के आने वाले दमनों के खिलाफ हम लोग मिलकर के लड़े। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पावर हाउस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर शहीदों के तैल चित्र पर सभी श्रमिकगण परिवार सहित शहीद श्रमिकों एवं अपने नेता शहीद शंकर गुहा नियोगी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके द्वारा शुरू की गई मजदूरों के हक की लड़ाई को आगे भी जारी रखने का संकल्प लेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।